बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फियाज़ है। आप देख रहे हैं तारिक 99 टीवी। मेरी तरफ़ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी तस्वीरें हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ने इनके मुतल्लिक तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी हैं। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक यूट्यूबर कह रहा था कि एक दाढ़ी वाला बच्चा पैदा हुआ है। उसने पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया कि अगर आप कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं तो आप दूध वाली चाय ना पिएं, बल्कि कावा बनाकर पिएं। अगर किसी शख्स को कोरोना वायरस हो गई हो तो वो कावा पीने से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर किसी शख्स को कोरोना वायरस अभी तक नहीं हुई, कावा पीने से वो कोरोना वायरस से बचा रहेगा। ये बातें कहकर वो बच्चा फौत हो गया। इस तरह कोई यूट्यूबर कहता है कि एक आंख वाला बच्चा पैदा हुआ है, उसने ये कोरोना वायरस का इलाज बताया है। इस तरह मुख्तलिफ यूट्यूबर ने मुख्तलिफ ऐसे बच्चों के बारे में यही बात कहना शुरू कर दी है कि इन बच्चों ने कोरोना वायरस का इलाज बताया है। दोस्तों, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बहुत ही पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन यूट्यूबर ने इनको अब कोरोना वायरस के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। ये लोग कोरोना वायरस के इस अजाब में बजाय खुदा से डरने के, बल्कि अवाम में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। अनपढ़ अवाम भी बगैर तस्दीक किए इसको आगे से आगे शेयर किए जा रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसी अफवाहों पर हरगिज़ ध्यान ना दें। ऐसी अफवाहें फैलाने वाले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनको अनसब्सक्राइब कर दें, ताकि इन झूठों की खबरें आप तक ना पहुंच सकें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा।